हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मृति रंजन आपको स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं सिंपल फ्रीजर चैनल। तो बेसिकली आप जो ये वीडियो मेरा अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैं आज आपको तिरुपति विजिट करके पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा एंड पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ ये वीडियो में। तो आप क्या कीजिए, आप पहले ईयरफोन लगाइए एंड पूरा डिटेल्स आप देखिए, मैं ये वीडियो में पूरा ही बताने वाला हूँ, पूरा एंड टू एंड। अगर आप तिरुपति आने से पहले शायद मेरा वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल आपके लिए ये फायदा होगा कि क्योंकि मैं ये वीडियो में पूरा ही एंड टू एंड आपको डिटेल्स देने वाला हूँ। तो चलिए अभी बिना देर करके ये तिरुपति का कहानी मैंने शुरू करूँगा। आप पूरा ही वीडियो एंड टू एंड देखिए एंड पूरा ही डिटेल्स जानने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि इतना सारा डिटेल्स मैं ये वीडियो में देने वाला हूँ, अगर आप देखेंगे तो आने से पहले तो पक्का तो मैं बोलूँगा कि 100% आप कुछ एक फाइनल डिसीजन लेके ही यहाँ आना है बोल के। तो फ्रेंड्स, आज का जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, द सिटी ऑफ सिलिकॉन वैली टू द सिटी ऑफ लॉर्ड ऑफ सेवन हिल्स, मतलब बेंगलोर टू तिरुपति मेरा ये जो जर्नी होने वाला है। तो अभी मेरा जर्नी शुरू हो चुका है माराथली से एंड अभी मैं रूम से निकलते निकलते बारिश भी शुरू हो चुका है, देख सकते हैं कि अभी मैं माराथली ब्रिज के ऊपर से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो फाइनली मेरा जो बस है ये है मैजेस्टिक बस स्टॉप। मैजेस्टिक बस स्टॉप में ये आंध्र प्रदेश का एक बस स्टॉप रहता है, वहीं से मेरा सप्तगिरी एक्सप्रेस में बस जर्नी शुरू होने वाला है जो कि APSRTC का अंडर में आता है ये सप्तगिरी एक्सप्रेस। तो चलिए आज ये सप्तगिरी एक्सप्रेस का कहानी के साथ साथ हमने तिरुपति का कहानी भी आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं कि जैसे मैंने तिरुपति जाने के लिए माराथली से ये जो बस स्टॉप था लगभग 16 किलोमीटर पार करके मैं अभी आ चुका हूँ। ये सप्तगिरी एक्सप्रेस जो है मुझे ये जर्नी शुरू करने वाला है। तो देखिए अभी जाके तिरुपति में मिलेंगे। अभी जो मैंने ये बस बोर्ड कर रहा हूँ ये बेंगलुरु मैजेस्टिक का बस स्टॉप है, यहीं से हम बस को बोर्ड करते हैं यहाँ। तो चलिए अभी ये सप्तगिरी एक्सप्रेस के अंदर चलते हैं और देखते हैं आपको इसी के इंटीरियर कैसे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, मैंने ये बस के अंदर आ चुका हूँ एंड मैंने बुक किया था ये 49 नंबर सीट जो कि पूरा फ्रंट में है, जो कि मैं पूरा ही व्यू शूट करने के लिए फर्स्ट सीट ही बुक किया था। एंड बस का सीट बोलूँगा तो ये बस 49 सीट से आता है एंड ड्राइवर सीट को मिलाएंगे तो 50 सीट है और इसी का बुकिंग ऑनलाइन से रेड बस से आप कर सकते हैं। तो देखिए टाइम लगभग 11:30 हो चुका है। अभी मेरा जर्नी द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया टू द सिटी ऑफ लॉर्ड ऑफ सेवन हिल्स को जर्नी शुरू हो चुका है एंड मैंने बस बोर्ड कर चुका था अभी मैजेस्टिक से। तो देखिए मैजेस्टिक के बाद में जो NS के ऊपर आता है ये आता है कि APJ अब्दुल कलाम बस स्टॉप, यहीं से फाइनली लास्ट पॉइंट जो बेंगलोर का बोर्डिंग पॉइंट रहता है यहीं से बस बोर्डिंग करने के बाद डायरेक्टली तिरुपति के लिए रवाना के लिए शुरू हो चुका है जा रहा है। एंड अभी जो हमारा जर्नी है बेंगलोर से लगभग जो तिरुपति का डिस्टेंस है 250 किलोमीटर एंड मैं हसूर होके चित्तूर डिस्ट्रिक्ट होते हुए मैं तिरुपति जाने वाला हूँ। देख सकते हैं मेरा स्क्रीन के ऊपर ये मेरा जो बस का डिटेल्स में ये रूट होने के लिए होते हुए मैं जाऊँगा एंड जाने का टाइम पे लगभग मेरा ये जो 250 किलोमीटर जो डिस्टेंस है लगभग 3 से 4 टोल गेट मुझे मिला था, ये था फर्स्ट टोल। देख सकते हैं कि टाइम भी लगभग 12:30 हो चुका है एंड मेरा बस जो है NS के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। एंड देखिए अभी ये बस का डिटेल्स मैं पूरा देने वाला हूँ एंड बस कैसे भी बुक किया था मेरा सीट रिजर्व किया था। ये देख सकते हैं कि मेरा जो बस का बोर्डिंग पॉइंट था
11:20 PM टू एंड जो अराइवल टाइम है 5:20 AM है। एंड मैंने जो बुक किया था ये इंक्लूडेड GST का सर 356 रुपीस मुझे आया था, जो कि 250 किलोमीटर्स। एंड ये है सबसे चीपेस्ट जो कि APSRTC का बस है, मैं ये चीपेस्ट रोड कस्टी में आपको बता रहा हूँ। एंड आप भी अगर आने के लिए सोच रहे हैं बेंगलुरु से तिरुपति, तो आप भी ये सप्तगिरी एक्सप्रेस से ऑनलाइन से टिकट बुक करके आ सकते हैं। और मैं तो ब्लॉगर, अगर कोई मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं तो वो सजेस्ट करूँगा आप भी मेरे जैसा बस का 49 नंबर सीट बोले तो लास्ट सीट है, लेकिन पूरा फ्रंट व्यू आपको अगर ये बैठ के आएंगे तो आप भी एंजॉय लेते लेते ही आ जाएंगे। देखिए मेरा बस पूरा ही 70 किलोमीटर स्पीड पर पूरा चल ही रहा है। एंड यही है, अभी ऑलरेडी जर्नी शुरू हो चुका है। एंड इसका बीच में जो 250 किलोमीटर बेंगलुरु टू तिरुपति हमारा बस वन टाइम बीच में रखा था कि टॉयलेट जाने के लिए। एंड उसके बाद लगभग टाइम 2:30 टाइम पता उस टाइम पे मुझे तो ये एरिया पता नहीं था, लेकिन एक मार्क्स के लिए टी के लिए मतलब ऐसे ही रखा था। एंड 20 मिनट्स का ब्रेक लिए थे वहाँ पे। एंड अभी ऑलरेडी फिर से जर्नी शुरू करके हम जा रहे हैं तिरुपति के लिए। तिरुपति तो नहीं बोल सकता हूँ, ये बस जाएगा तिरुमल्ला, तिरुमल्ला टू जाएगा बस तिरुपति, दूसरा बस चेंज करके जाना होगा। और फाइनली अभी टाइम हो चुका है 4 AM एंड मैंने अभी एंटर कर चुका हूँ तिरुमल्ला सिटी के अंदर, देख सकते हैं। तो मेरा जो बस का टाइमिंग था ना, पहुँचने का टाइम मैं जो ऑनलाइन पर देखा था, तो मुझे वहाँ पे 5:20 AM पे पहुँचेगा बोल के मुझे जो टाइम था, लेकिन टाइम लगभग 4 AM पे ही बस मुझे तिरुमल्ला बस स्टॉप के पास छोड़ दिया। एंड मैं ऑलरेडी बस से भी निकल चुका हूँ एंड जर्नी फिर से शुरू कर चुका हूँ तिरुमल्ला टू तिरुपति। जो तिरुमल्ला टू तिरुपति है ये लगभग जो डिस्टेंस है 22 किलोमीटर टू 23 किलोमीटर्स अराउंड। एंड 22 टू 23 किलोमीटर्स जाने के लिए आपको ये सप्तगिरी एक्सप्रेस में फिर से आपको पे करना होगा 75 रुपीस। एंड ये 75 रुपीस पे करके ही आप ये सप्तगिरी एक्सप्रेस पे तिरुमल्ला टू तिरुपति आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तिरुपति आने के लिए आपको विजयवाड़ा, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, ये सारे जो बड़े बड़े सिटीज है, ये सिटीज से आपको डायरेक्टली बस मिल जाएगा तिरुपति के लिए। एंड अगर आप तिरुपति ट्रेन पे आने के लिए चाह रहे हो तो आपको नियरेस्ट स्टेशन तिरुपति ही मिलेगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि एयरलाइंस में भी यात्रा करना है तो आपको कोयम्बटूर, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, विजयवाड़ा से भी फ्लाइट मिल जाएगा। एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो चेन्नई है, चेन्नई से आप 130 किलोमीटर बस यात्रा करके आ सकते हैं तिरुपति। देख सकते हैं तिरुपति जाने के लिए पहले सर्वसाधारण टिकट काउंटर के जाके टिकट करना पड़ता है। एंड उसके बाद हम फिर से यात्रा शुरू करते हैं। और जो शुरू करते हैं यात्रा, ये है तिरुपति का मेन एंट्रांस है, यहीं से बस को बंद किया करते हैं। और हमारा जो चेक पॉइंट है यहीं से स्कैन करके यहीं से तिरुपति जो हिल के ऊपर छोड़ रहे हैं। तो अभी फिर से यात्रा शुरू हो चुका है हमारा, यहीं से हम स्कैनिंग जो जितना लगेज था पूरा लगेज स्कैन करके यहीं से यात्रा फिर से शुरू। और ये जो पॉइंट है ये तिरुपति का मेन एंट्रांस पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आके तिरुपति बस स्टॉप पे पहुंच चुका हूं। एंड बस स्टॉप के पास पहुंचने के बाद मुझे यहां पे देखने के लिए मिल रहा है फ्री रूम का व्यवस्था। एंड प्रीवियसली मैं आने का बिफोर मैंने चेक किया था पर्सनल रूम के लिए, लेकिन मुझे तो नहीं मिला था। तो अभी चलते हैं ये जो लकर रूम है इसके अंदर जाकर देखते हैं। और यहाँ आने के बाद आपको बड़ा बड़ा 3 हॉल देखने के लिए मिल जाएगा डॉर्मिटरी जैसा। एंड यहाँ आने के बाद आप अपना आधार कार्ड दिखा के आपका नाम पे एक लकर इशू कर सकते। तो मुझे जो अलर्ट हुआ था हॉल नंबर 2, मैं हॉल नंबर 2 आने के बाद मैं मेरा आधार कार्ड दिखा के मेरा नाम पे एक लकर का चाबी इशू किया था। एंड ये रूम पे आप मेल फीमेल आप यहाँ पे शेयर करके सो सकते हैं, आपको एक चटाई मिलता है। फाइनल में आ गया अभी तिरुपति, जो तिरुमल्ला के ऊपर पहुंच चुका हूँ। तो नेक्स्ट जर्नी करके बेंगलुरु से तिरुमल्ला आ गया हूँ अभी, कल रखते हैं टेम्पल जाना। तो चलते हैं यहाँ पे टेम्पल जाएंगे और आगे मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा।
तो फ्रेंड्स, मैंने अभी फ्रेशअप होने के बाद मेरा यात्रा शुरू कर चुका था मंदिर जाने के लिए। तो अभी टाइम लगभग 6:30 AM हो चुका था। अभी मैं मंदिर का साइड में जा रहा हूँ एंड मंदिर जाने के टाइम पे आपको ये रास्ते में बहुत सारा जैसे दुकान देखने के लिए मिल सकता है एंड ये दुकान से आप पूजा के लिए हो या कुछ भी घर के लिए लेके जा सकते हैं। और यहीं से आपको अंडरपास रोड भी मिलता है जो कि कनेक्टेड रहता है मंदिर तक। आप यहीं से पैदल में जा सकते हैं हम। उसी के अलावा आपको फ्री बस सिस्टम भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। एंड ये जो तिरुपति है बेसिकली ये कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश जो अमरावती है यहीं से 415 किलोमीटर दूरी पे है। आपको यह जैसे मुझे लग रहा था कि अभी ये जो भीड़ जितना मुझे सुबह सुबह देखने के लिए मिल रहा था कि ये मॉर्निंग में ही किसी का मैरिज पार्टी चल ही रहा है तो इतना सारा भीड़ है। तो बहुत सारा आदमी लोग मैं देख रहा था कि अंडरपास रोड में जा सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक विष्णु जी का टेम्पल भी देखने के लिए नियर बाई मिलेगा एंड यहाँ से आप पैदल में जा सकते हैं, नहीं तो ये फ्री बस सिस्टम पे आप मंदिर तक वैकुंठम नगरम 2 जो है वहाँ तक भी आप जा सकते हैं और प्रसाद सेवन केंद्र तक आप जा सकते हैं। लेकिन मैंने कोशिश किया था कि मैं 300 दे के स्पेशल पास करके दर्शन करूँगा बोल के, फिर भी मुझे स्पेशल दर्शन के लिए टिकट नहीं मिला। तो मुझे बाध्य होके सर्वसाधारण दर्शन टोकन में ही मुझे मंदिर दर्शन के लिए जाना होगा अभी। तो आपको ये टेम्पल जाने से पहले आपको नियर बाई यहाँ देखने के लिए मिलेगा एक विष्णु जी का, जैसे सामने में दिखा रहा हूँ ये जो विष्णु जी का मूर्ति है। यहाँ पे बहुत सारा आदमी लोग अपना सेल्फी ले रहे हैं अभी, तो मैंने भी मेरा एक सेल्फी लिया था। तो अब ये जो सेल्फी ले रहे हैं यही पास में ही आपको जो सर्वदास दर्शन जो दर्शन है यहीं से ही आपका पैदल यात्रा शुरू होता है। तो यहीं से मंदिर लगभग 2 किलोमीटर दूरी पे रहता है, 2 एंड 2.5 किलोमीटर दूर में आप यहीं से क्यू में ही जर्नी शुरू करना पड़ता है। तो अभी चलिए डायरेक्टली अभी लाइन पे चलते हैं। तो देख सकते हैं कि मैं भी अभी लाइन के अंदर आ चुका हूँ एंड यहाँ आने के बाद मुझे आते आते लगभग 1:30 हो गया था एंड 1:30 जब हो गया था हम लोग को ऐसा एक रेस्ट हाउस रूम मुझे मिल गया था एंड ये रेस्ट हाउस रूम मिलने के बाद यहाँ पे प्रसाद सेवन का भी व्यवस्था किया हुआ था जो कि आज मुझे मिला था। एक कुछ खिचड़ी जैसा मुझे अन्न प्रसादम मुझे मिला था ये लंच के टाइम पर। और देख सकते हैं कितना भीड़ है और तिरुपति के लिए पर डे 50,000 to 1,00,000 भक्तों का भीड़ रहता है एंड तो ईयर के अनुसार आप देखेंगे तो 30 to 40 million लोग पर ईयर यहाँ आते हैं। और अभी मैं भगवान जी का दर्शन कर रहा हूँ एंड आप भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने भगवान विष्णु जी का दर्शन करने के लिए लाइन पे 6:30 AM पे खड़ा हुआ था लेकिन मुझे जो दर्शन मिला नाइट 11:30 पे। तो देखिए लगभग 18 आवर के बाद जाके मुझे दर्शन मिला था। तो आप भी अगर मंदिर को आते हैं तो लगभग 1 डे का मिनिमम टाइम जो है 1 डे टाइम लेके ही आना है। इतना तकलीफ मुझे लगा क्योंकि मैं कभी भी आज तक जितना ट्रैवल किया हूँ इतना 18 आवर तक मैंने कहाँ इंतज़ार नहीं किया था, लेकिन आज जो तिरुपति जो टेम्पल है, आज मेरा जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है ये मेरा फर्स्ट टेम्पल है जहाँ पे मुझे 19 आवर के बाद जाके भगवान जी को दर्शन मुझे मिला। एंड दर्शन करके मैंने मंदिर से जब बाहर आया तो मैं टाइम देखा तो वहाँ तब तक 2:30 AM हो चुका था फिर से। तो देखिए अगर आप 3-4 घंटा सोच के ये मंदिर आने के लिए सोच रहे हैं तो आपका ये थिंकिंग पूरा ही गलत है। आप मिनिमम 1 डे लेके ही आना है, कभी कभी दर्शन के लिए 24 to 28 आवर भी लग सकते हैं आपको।
तो मैंने मंदिर जब बाहर आया, फिर मोबाइल काउंटर से मोबाइल लेने के बाद जो नाइट का जो व्यू था, देखिए मंदिर का टेंपल कितना लाइटिंग कितना सुंदर से सजा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहीं रह जाऊं। ये मंदिर का जो सुंदरता है मुझे इतना विमोहित कर रहा था कि यहीं से उठ के जाने के लिए भी मेरा मन ही नहीं हो रहा था। देखिए कितना सुंदर व्यू, ये जो नाइट व्यू है, और मैं पूरा मंदिर का व्यू आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मोबाइल पूरा अलाउड नहीं है, तो इसलिए आपको मोबाइल काउंटर पे मोबाइल जमा करके ही जाना है। एंड ये जो अल्टीट्यूड पे है लगभग तिरुमल्ला टू तिरुपति 18 पूरा लगभग 2800 फीट के ऊंचा में है, तो 850 ऊंचा में ये टेंपल अवस्थित है। एंड आपको अगर मंदिर आना है तो मैं तो बेस्ट टाइम बोलूँगा अक्टूबर टू आप मार्च तक आ सकते हैं ट्रैवल के लिए। एंड ऐसा ही अगर समर का टाइम पे आते हैं तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि जो फ्री दर्शन है इतना टाइम लेता है, आप अगर आएंगे तो खुद ही समझ सकते हैं। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। एंड ये मंदिर जब दर्शन किया, जो हमको रूम मिला था बाद में हमको लग कर दिए थे बीच में, एंड इवनिंग रूम पे आपको अगर इवनिंग टाइम है तो टी कॉफी का व्यवस्था किया हुआ था वहाँ पे, एंड डिनर का भी व्यवस्था किया हुआ था। एंड डिनर करने के बाद ही हमको 11:30 में दर्शन के लिए, जो भगवान जी का दर्शन के लिए हमको टाइम मिला था, टाइम जो हम लोग को दिए थे उन्होंने। उसके बाद ये मंदिर दर्शन करने के बाद उन्होंने एक फ्री लड्डू देते हैं प्रसाद के आधारित। अगर आप एक्स्ट्रा लड्डू खरीदना चाहते हैं तो आप 50 रुपीज़ दे के एक्स्ट्रा लड्डू खरीद सकते हैं। एंड ये टेम्पल का जो आते हैं सब लोग ये लड्डू लेके ही प्रसादम के हिसाब से घर जाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत व्यू। तो मैं मंदिर जब आया था, मैंने एंट्री करने से पहले ये जो लाइन से मैं एक मैनेजमेंट टीम को पूछा था कि आगे लकर का व्यवस्था है क्या, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किए थे कि आगे व्यवस्था है, आप चप्पल पहन के भी जा सकते हैं। लेकिन मैंने चप्पल पहन के उन लोग का बात सुन के मैं चले गया था। लेकिन जब मैं लकर काउंटर पे पास खड़ा हुआ तो उनको जब मैं बोला कि मेरा सैंडल्स रखना है, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो ऐसा है कि आप अगर सोचेंगे कि मैं चप्पल रख के चली जाऊँगा लकर से, वो व्यवस्था नहीं है तिरुपति में। तो अगर फ्री स्टैंड नहीं है तो, लेकिन अगर ये मैनेजमेंट टीम कोई देख रहा है तो पेड वाला भी काउंटर यहाँ पे रखना चाहिए। एंड शू रखने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। आप अगर शू रख के जाते हैं तो सोच सकते हैं कि आपका मंदिर दर्शन जब करके आएंगे तो आपका शू गायब हो सकता है। तो ये सोच के मैंने जब गया था तो मुझे शू रखने के लिए नहीं मिला था, लेकिन मैंने कुछ टेक्निक यूज करके कहाँ पे एक शू रख दिया था। एंड शू लेने के लिए फिर जब मैंने मंदिर दर्शन करके बाहर आया तो मुझे, मैं एक पुलिस वाले से पूछा तो उन्होंने बोला कि यहीं से फिर मंदिर आपको जाना है 3 किलोमीटर लगभग। तो मैं एक जीप में ट्रैवल करके फिर से आया था बैकुंठम नगरम टू, जो कि आपके सामने मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये है बैकुंठम नगरम टू। यहीं से मंदिर जाने का जो एंट्रेंस शुरू होता है मेन, तो ये था नाइट लगभग 3 AM मैं फिर से बैकुंठम नगरम टू पे पहुँच चुका था ओनली चप्पल लेने के लिए। एंड उसके बाद फिर से मैं फ्री बस के लिए आया था, लेकिन फ्री बस जब देखा तो उन लोग ने वादा कर रहे थे कि 24/7 आपको फ्री बस सेवा मिलता है। तो मैंने ये फ्री बस जब देखा, मैं फ्री बस का सूट भी कर लिया, मैंने सोचा बस के अंदर भी जाके इंटीरियर दिखाऊंगा। तो चलिए अभी बस के अंदर चलते हैं एंड इंटीरियर भी दिखाते हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि अभी ये बस जो है यहाँ पे रेस्ट कंडीशन पे है, ठीक है अभी अंदर जाकर ही पता चलेगा। एंड ये जो फ्री बस है आपको तिरुपति बस स्टॉप से बैकुंठम नगरम टू फ्री में सुविधा देता है। तो मैं चलते हैं बस के अंदर, आप ये बस के अंदर आने के बाद इस टाइप का कुछ व्यू। एंड यहाँ पे देख रहते हैं, यहाँ पे सब सोए हुए हैं। तो मैंने जब उन लोग को पूछा तो बोला कि आदमी नहीं है, तो बोल के अभी ये बस नहीं जाएगा। तो फिर से मुझे और एक जीप में ही
फिर से तिरुपति जो मेन बस स्टॉप था वहाँ मुझे आना है, तो फिर से मैंने एक जीप में ही आया था। एंड आने के टाइम पे टाइम लगभग फिर से हो गया था 3:34 AM आसपास। एंड 3:34 AM आसपास जब मैं आ रहा था तो देखिए कितना ये जो टाइम है लगभग 4 AM का है, ये 4 AM का टाइम में देख सकते हैं कितना भीड़ है ये क्यों में। तो मुझे तो पता नहीं भगवान कब उन लोग का दर्शन देंगे। तो इस टाइप का कुछ यात्रा था। मैं फिर से आपको ये दूरी से तिरुपति का व्यू दिखा रहा हूँ। एंड तिरुपति जब आउट आते हैं तो आपको ये सामने बजरंगी जो है प्रभु हनुमान जी का टेंपल देखने के लिए मिल जाता है बिल्कुल सामने। एंड आपको यहाँ पे बात करने के लिए भी यहाँ पे एक पुष्करणी भी देखने के लिए मिलता है, जो कि मुझे इतना शांत लगा वहाँ पे जो मैं जो व्यू देखा था। कोशिश करूँगा आपको भी वो व्यू दिखाऊँगा फिर से। तो मंदिर से बाहर आने के बाद देख सकते हैं कि बहुत सारा आदमी लोग थक के यहीं पे ही सो जाते हैं, लेकिन मुझे तो जाना था कुछ दूसरा प्लान करके। तो अभी ये जो है काउंटर, लड्डू काउंटर जाने के लिए भी रास्ता है। एंड ये जो पुष्करणी है यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, नहा सकते हैं, यहाँ पे मुंडन होने के बाद भी आप यहाँ पे नहा सकते हैं। देखिए कितना ही खूबसूरत व्यू है। तो चलिए गाइस अभी टाइम हो चुका है, मंदिर दर्शन भी कर चुके हैं और मैं खुद भी थक चुका हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह एक नया डेस्टिनेशन पे फिर से मुलाकात होगा आपके साथ। तो अभी मैं तिरुपति जो मेन टेंपल से निकल के अभी ये जो व्यू है लॉर्ड हनुमान जी का दर्शन करके अभी फिर से जाने वाला हूँ। एंड यहाँ पे फिर से मनिंग ऐसा खूबसूरत नज़ारा मुझे देखने के लिए मिल रहा है। एंड आपको नियर बाई होटल भी मिल जाएगा जो कि पूरा वेजिटेरियन होटल से आप यहाँ पे टिफिन एंड लंच कर सकते हैं। तो फिर से मैं अभी बस स्टॉप पे आ चुका हूँ। अभी मेरा तिरुपति से फिर से जो जर्नी शुरू होगा वेल्लोर गोल्डन टेम्पल के लिए।